हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइव ऐप के बारे में। फाइव ऐप में फाइनली मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था कि आप सब उसमें फुल केवाईसी कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सब कैसे अपना फाइव में यूपीआई एंड वहां पे अपना स्कैन एंड पे एंड टू कॉन्टैक्ट से कैसे पेमेंट कर सकते हैं, वही पूरा फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मेरा बेसिकली आपको पता है कि मेरा जो फाइव का है फुल केवाईसी नहीं है, बेसिकली मेरे एरिया में वो नहीं आता है एजेंट। इस वजह से मैं माइनर फ्रेम जो है उनका चैनल है यूट्यूब पे, उन भाई से मैंने लिया है क्लिप, तो उनका भी चैनल डिस्क्रिप्शन में जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उनका भी चैनल वीडियो देख लेना जाके। तो देखिए अब शुरू करते हैं। अब फाइनली मैं पूरा फोन की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहीं पूरा फुल एक्सप्लेन डिटेल में करता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। भाई साहब, मैं फोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, और ये निखिल भाई का अकाउंट है जो इसके ऊपर वो भी एक वीडियो बनाते हैं, तो इनका भी चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। और भाई यहाँ पे देखो इनका अकाउंट में फाइनली इन्होंने फुल केवाईसी कर ली, आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है वेरीफाइड फुल। और इनका ये यूपीआई आईडी जो ब्लर कर रखा है, बट आप सब यूपीआई आईडी अगर अपना खुद का अगर पेमेंट रिसीव करने के लिए लगाओगे कहीं भी तो आपका पेमेंट नहीं होगा, ये चीज पहले बता दूं। यूपीआई आईडी ज़रा ट्राई मत करना, और यूज करना है तो आप इनका खाली आप ये वाला डिटेल यूज कर सकते हो, मतलब ये स्कैनर यूज करके यहाँ से पेमेंट ले सकते हो किया। और ये यस बैंक के साथ वेरीफाइड है यूपीआई, आप इजिली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्कैन एंड पे कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो मैं स्कैन एंड पे भी करके दिखाऊंगा आगे चल के। तो अभी चले नॉर्मल पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूपीआई सेटिंग पे ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ से व्यू ब्लॉक यूजर, अगर जिस बंदे को आपने ब्लॉक किया हो यहाँ से भी चेक कर सकते हो। बाकी आप पेमेंट करके दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू पेमेंट का, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ से पेमेंट कर सकता हूँ। अभी आपको दिखाऊंगा सारा कुछ यहाँ पे, जो भी पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा न्यू पेमेंट पे जैसे क्लिक करूंगा यहाँ से सिर्फ नंबर से मैं सेंड कर सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे मैं यहाँ से नंबर से सेंड कर सकता हूँ, किसी को भी पेमेंट कर सकता हूँ। अभी मैं डायरेक्टली अब यूपीआई से पेमेंट करने वाला हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ पेमेंट कैसे हो रहा, कितना फास्ट पेमेंट हो रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे देखिए न्यू पेमेंट वाला ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे मैं अभी क्लिक करता हूँ न्यू पेमेंट पे। क्लिक करने का अभी मेरे पास गूगल पे फोन पे सभी कुछ यहाँ से यूज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है मेरे पास, मतलब पैसे यहाँ पे देखिए, अभी फिर से क्लिक करता हूँ, सॉरी गलती हो गया। अभी यहाँ पे देखो ₹5 है, यहाँ से मैं पैसे सेंड करके दूंगा, दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले न्यू पेमेंट पे आते हैं, देखिए टू कॉन्टैक्ट टू यूपीआई आईडी भी पे वी आई कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, स्कैन से भी कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा कि हम लोग यहाँ से इजीली इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं अपने यूपीआई आईडी पे, तो यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ से करेंगे फिर स्कैन एंड पे, स्कैन एंड पे पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हो टू कॉन्टैक्ट, मैं जैसे कि बताया था स्टार्टिंग में, आप सब नंबर जिसका फाइव में अकाउंट है उसको डायरेक्टली आप नंबर से भी सेंड कर सकते हो, हम QR कोड से भी स्कैन करके दिखाएंगे। ये मेरा जैसे स्कैनर मैंने फोन पे का निकाला, स्कैन करते हैं, स्कैनर करते हैं हमारे सामने, यहाँ पे डालेंगे ₹2 और यहाँ से पे पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। सो जैसे ₹2 डाला मैंने, जैसे पे पे क्लिक किया, पे पे क्लिक करते ही हमारे सामने थोड़ा वेट करना है, और फाइनली हमारे यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। और ऐसे ही आप लोगों को पेमेंट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमें कुछ इसके बदले कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता है, कोई भी कॉइन नहीं मिलते यहाँ पे, फाइनली देख सकते हो सिर्फ ₹2 हमारे इजिली यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। जैसे फाइव और कोडो में कुछ मिलता है बट कुछ नहीं है, ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे डन पे क्लिक कर लो, हो जाएगा इजिली। अब हम यहाँ से एक और भी पेमेंट करके दिखाने वाले हैं, जो दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको ट्राई करके दिखाने वाला हूँ। सो इसको हम स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते बेसिकली। अब इसको हम बैक हो जाते हैं, बैक होने के बाद डायरेक्टली हम लोग इसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो ₹2 कट चुका है फाइनली, और रिसीव भी हो चुका है मेरे फोन पे पे। और यहाँ पे देखिए जैसे फिर से हम लोग न्यू पेमेंट पे ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ से हम फिर से ट्राई करने वाले हैं यूपीआई आईडी डाल के। तो मैंने यूपीआई आईडी पेस्ट कर दिया और मैंने कंटिन्यू पे जैसे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने देख सकते हैं, फिर से हम लोग ₹2 ट्राई करते हैं और यहाँ से हम लोग पेमेंट कर लेते हैं। सो मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर पे पे जैसे क्लिक किया, ₹3 डाल के पे पे जैसे क्लिक कर लिया, क्लिक करते ही थोड़े वेट करना, और हमारे सामने फाइनली हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुली यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। मतलब कि फोन पे, पेटीएम, सारा कुछ यहाँ पे पैसे आप सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। सो ये है आज के इस वीडियो में था, क्योंकि मेरे को पेमेंट प्रूफ दिखाना था कि पेमेंट हो भी रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे फाइनली पेमेंट हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है, तगड़ा है, आप इसे भी यूज कर सकते हो एंड यहाँ से अपना अकाउंट बना सकते हो। सो अकाउंट वीडियो लाने का वीडियो नहीं दिखाता तो देख लीजिए, अब मेरे को पैसे का भी नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे बैंक में, अब यहाँ पे देख सकते हो। तो कैसा वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।